वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है इजी वेज सैंडविच। बहुत इजी है बनाना, कम इंग्रेडिएंट्स में ही आप घर पे इजी सैंडविच बना सकते हैं। आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स में रेड स्लाइसेस, कटी हुई प्याज गोलाकार में, कटे हुए टमाटर गोलाकार में, वेजिटेबल में पत्ता गोभी यूज कर रही हूँ वो भी मैंने गोल कटिंग यूज किया है, थोड़ा सा रिफाइंड। आपको चाहिए होगी मिर्च, सॉस और आपको नमक चाहिए। आप लोग चाहें तो मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स अनहेल्दी इसलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तवा चढ़ा दें गैस पे, और फिर अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी सॉस लेके इस पे इस तरह से गार्निश करना है, और हम अब इसमें रखेंगे इस तरह से प्याज टमाटर। ये एक हेल्दी सैंडविच है जो कि मॉर्निंग में खाएं, जिनको फैट्स वगैरह अलाउड नहीं है उनके लिए बहुत सही है। थोड़ा सा नमक इसमें हल्का सा इस तरह से गार्निश कर दें, थोड़ी सी मिर्च अपने अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आपने इस पे जो सॉस है वो गार्निश कर देनी है। और अब हम इसे बंद कर लेंगे हल्की सी नमक डाल के, और अब हम इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे। देखते हैं तवा गर्म हो गया है या नहीं। उसमें थोड़ी सी आप एक स्पून रिफाइंड ऑयल, बटर या घी लगा सकते हैं। गर्म होने दें इसे थोड़ी देर। जैसे ही आपका तवा गर्म हो जाएगा, आप ये जो स्लाइसेस आपने रेडी किया है इसे आपने तवे पे इस तरह से रख देना है, प्रेस करना है अच्छे से। एक साइड को गोल्डन ब्राउन होने दें, जैसे एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसे पलट लेना है आपने। वेट करते हैं, करीब 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है ये। बहुत ध्यान से आप इसे पलटें इस तरह से। एक साइड आपकी ब्राउन हो गई है, जैसा कि मैंने कहा ये आपका फैट फ्री सैंडविच है, क्योंकि हमने कोई तड़का नहीं लगाया है सब्जियों को, सिंपली हमने कच्ची सब्जियां ही यूज की है, तो इट्स वेरी हेल्दी। बच्चे बर्गर का जिद करते हैं तो ये अच्छी रेसिपी है। हम इसे दोबारा पल के देखेंगे एक साइड से हुआ है या नहीं इस तरह से। दो से तीन मिनट तक सेकने के बाद आपने इसे निकाल लेना है। सॉस या चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो ये रहा हमारा वेज इजी सैंडविच। कैसी लगी आपको हमारी ये आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।